जहां अमेरिका में 50 साल में सबसे बड़ी हड़ताल शुरू हुई है और ये अचानक से कैसे होने लगा है, तो चाइना और पाकिस्तान बड़े परेशान हैं। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। पर इन सब के बीच में भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और चीन को लेकर क्या कहा है और इन सब में श्रीलंका में भारत ने कैसे खेल पलट कर रख दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका में 50,000 से अधिक पोर्ट वर्कर्स हड़ताल पर हैं। देश में 1977 के बाद ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में वर्कर्स हड़ताल पर हैं। ये पोर्ट्स अमेरिका के कुल आयात का करीब 40% हैंडल करते हैं। इस हड़ताल से अमेरिका को रोजाना $5 अरब तक का नुकसान हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन नाकाम होने के कारण पोर्ट वर्कर्स हड़ताल पर हैं। जून में पोर्ट वर्कर्स की संस्था ILA ने यूनाइटेड स्टेट मैरीटाइम अलायंस के साथ बातचीत सस्पेंड कर दी थी। 30 सितंबर को कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी डील के खत्म हो चुका है। अगर यह हड़ताल एक महीने तक चलती है तो इससे अमेरिका को $130 अरब का नुकसान हो सकता है। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट यूनियन मेंबर्स को हर घंटे $20 से $37 तक मेहनताना मिलता है। वे अगले 6 साल के दौरान इसमें 32% इजाफा चाहते हैं। अभी अमेरिका में करीब 38% आयात ईस्ट और गल्फ कोस्ट पोर्ट से होता है। JP Morgan के मुताबिक इस हड़ताल से अमेरिका की इकोनॉमी को रोजाना $3.8 अरब से $4.5 अरब तक का नुकसान हो सकता है। खासकर कृषि उत्पादों के आयात के लिए ये पोर्ट बहुत अहम है। पिछले साल इनके जरिए 26.7 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन का आयात हुआ था। इसी तरह 19.5 लाख टन पोल्ट्री इन पोर्ट्स के जरिए आई थी। अगर यह हड़ताल लंबी चलती है तो इससे एक बार फिर खाद महंगाई बढ़ सकती है। इन पोर्ट्स के जरिए सामान मंगाने वाली कंपनियों में वॉलमार्ट, आइकिया, होम डिपो, डॉलर जनरल, अमेज़न शामिल है। साथ ही एक्सपोर्ट मार्केट भी काफी हद तक इन पोर्ट्स पर निर्भर है। इन पोर्ट्स से चीन को 19.1 लाख टन सामान का एक्सपोर्ट होता है। इसी तरह इंडोनेशिया को 13 लाख टन, वियतनाम को 10.8 लाख टन, प्यूर्टो रिको को 9.8 लाख टन, ताइवान को 8.3 लाख टन, तुर्की को 4.7 लाख टन और पाकिस्तान को 3.1 लाख टन सामान का एक्सपोर्ट किया जाता है। यह अमेरिका से पाकिस्तान को जल मार्ग से किए जाने वाले एक्सपोर्ट का 81% है। हर साल इन पोर्ट्स से 38 लाख मीट्रिक टन केले का आयात होता है जो कुल इंपोर्ट का 75% है। इसी तरीके से 90% चेरी, 85% डिब्बाबंद फूड, 82% हॉट पेपर्स, 80% चॉकलेट इन्हीं पोर्ट से आते हैं। यानी इस हड़ताल से आम लोगों की जेब पर भारी असर पड़ेगा। यह हाल के सालों में अमेरिका में सबसे बड़ी हड़तालों में से एक है। चीन और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इसका असर होगा। तो वहीं सबसे बड़ी बात यह कही जा रही है, ये अक्टूबर का क्या सरप्राइज है कमला हैरिस के लिए। कमला हैरिस चूंकि इस वक्त सर्वे में काफी आगे निकल रही हैं और माना जा रहा है कि उनके आगे अब ये बहुत बड़ा प्रश्न आ गया है कि क्या वो इस इकोनॉमी की संकट को संभाल पाएंगी या नहीं संभाल पाएंगी। न तो कार आएंगे, न खाने की चीजें आएंगी, न कपड़े आएंगे। ऐसे में चीजें क्या हो जाएंगी, चीजें हो जाएंगी महंगी। अमेरिका के इतिहास में इस समय एक अजीब सी स्थिति पैदा हो रही है। अगर इस संकट को जल्दी से हल नहीं किया गया तो ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देगा। अब यहाँ पर BBC का एक आर्टिकल देख सकते हैं। यूनियन बॉस ने कहना है कि नहीं जी, हम कोई यहाँ गेम सेम प्ले नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी मांग रख रहे हैं, बस हमारी मांग को पूरी कर दो। हमने जो बात कही उस बात को मान लो, हमारी सैलरी को बढ़ा दो, बस मामला हो जाएगा खत्म। लेकिन US पोर्ट का ये जो हंगामा है, ये हंगामा बहुत बड़ा असर करने वाला है। इसे संभालना होगा कमला हैरिस को, जो बाइडेन को। अगर वो नहीं संभाल पाते हैं तो इसका फिर चुनाव पर भी असर, आपको बता दूं, देखने को मिलेगा। और चुनाव पर असर इसलिए भी जल्दी देखने को मिलेगा कि ये एक ऐसा सीन पैदा हो गया ना, सीधे सीधे जनता से जुड़ी हुई है। वैसे तो पहले भी ये बात कहा जा रहा था कि अमेरिका में इकोनॉमिक तौर पर समस्या आ सकती थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अगर ये पोर्ट का हड़ताल ऐसे चलता रहा तो फिर ये सीन एक अलग सीन बनकर खड़ा हो जाएगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक अलग लेवल का माहौल यहाँ पर तैयार हो गया है। और इस माहौल के तैयार होने का मतलब है कि यहाँ पर दिक्कतें हैं। स्क्रीन पर एक
तस्वीर देख रहे हैं आप, ये जितने लाल रंग के एरिया देख रहे हैं ये वो पोर्ट हैं जो खास तौर पर व्यापार के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये पोर्ट अभी स्ट्राइक को फेस कर रहे हैं। स्ट्राइक को फेस करने का मतलब ही हो गया कि यहाँ पर इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा झटका। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीरें यहीं से आपको निकल कर आ रही हैं और ये तस्वीरें बहुत बड़ी संकट जो इस वक्त फेस कर रहा है अमेरिका, उस संकट को बता रहा है। खैर, अक्सर देखने को मिलता है चुनाव वगैरह आते हैं तो कई तरह की राजनीति भी होती है। अब ये राजनीति का हिस्सा है या नहीं है इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि इसका असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि अगर इस मामले को जल्दी नहीं सलटाया गया तो फिर ये मामला महंगाई के रूप में पोर्ट से निकलकर आम जनता तक पहुंच जाएगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं, भारत के जो आर्मी चीफ है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने इस स्टेटमेंट में यह कहा कि देखिए, अगर चाइना के साथ हमें देखना है तो चाइना के साथ हमें हर तरीके का सामदाम दंड भेद लगाना होगा। पहली बात तो मैं बता दूं आपको कि इंडिया और चाइना का बॉर्डर जो है स्टेबल है, लेकिन हम इसे नॉर्मल नहीं कह सकते हैं कि एकदम सारी चीज़ें हल हो चुकी है, अभी भी ये संवेदनशील है। इन्होंने इस बात को साफ किया। दूसरी बात इन्होंने कहा कि चाइना हमारा पड़ोसी है, तो चाइना जब हमारा पड़ोसी है तो हमें एक साथ रहना भी है, हमें चाइना के साथ कम्पीट करना होगा, प्रतिस्पर्धा करना होगा, हमें अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। जो बात उन्होंने कहा वो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा कि हमें कम्पीट करना होगा उससे, हमें उसके साथ लड़ना भी होगा और हमें उसी हिसाब से चलना भी होगा। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि चीन के साथ भारत के हालात स्थिर हैं लेकिन सामान्य नहीं है, काफ़ी संवेदनशील है। चीन के साथ हमें लड़ना भी है, सहयोग भी करना है, साथ भी रहना है, सामना भी करना है और चुनौती भी देना है। चीन के साथ रिश्ते बहुत उलझे हुए हैं। सेना प्रमुख ने कहा कि हम चाहते हैं कि चीन के साथ हालात अप्रैल 2020 के पहले जैसे हो जाएं, फिर चाहे वो कब्जे जमीन की बात हो या फिर बफर जोन बनाए जाने की बात हो, जब तक पहले जैसी स्थिति बहाल नहीं होती है तब तक हालात संवेदनशील ही रहेंगे। हम किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। सबसे बड़ी क्षति हमारे विश्वास की हुई है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच अप्रैल से अब तक कमांडर लेवल की 17 बैठकें हुई है। इन बैठकों में हमने कई मुद्दों पर चर्चा की। अब जब दोनों तरफ मुश्किल हालात हैं तो ऐसे में हमें रास्ता ढूंढना होगा जिससे दोनों को फायदा हो। सेना प्रमुख ने कहा कि चीन LAC पर अपने इलाके में गांव बसा रहा है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है और बैठकों से कोशिश की जा रही है कि समस्याओं को हल किया जाए। लेकिन यहां पर एक और बहुत बड़ी समस्या थी और यह समस्या थी श्रीलंका की समस्या। श्रीलंका में यहाँ पर आ चुके हैं अनुरा दिशा नायके मार्केस्ट हैं, लाल झंडे वाले हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने चीज़ों को बदलना शुरू कर दिया है। इन्होंने थोड़ा भारत के पक्ष में दिखना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि सिक्योरिटी मैटर्स को लेकर अब कोलंबो अपने सहयोगी भारत के साथ चलना चाहता है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि एक समय भारत के बारे में पूरा निगेटिव फैलाया गया था श्रीलंका के अंदर, लेकिन जब क्राइसिस आई और भारत ने मदद करी तो वो जो थॉट है वो चला जा चुका है। अनुरा दिशा नायके ये इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि हमें भारत के साथ मिलकर चलना है। दूसरी बड़ी बात ये देखने को मिली कि यहाँ पर जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो चुनाव से पहले भी मिल रहे थे अनुरा दिशा नायके से। शायद भारत को यह आभास हो चुका था कि ये जीतने वाले हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।